नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 9 जून 2024 ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ के साथ ही वो लगातार तीसरी बार इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने में सफल रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि वो मंत्री कौन होंगे उसकी आधिकारिक तौर पर लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ सांसद के नाम की चर्चा है कि उन्हें मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह मिल सकती है। इस बार के कैबिनेट में आपको कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाजपा के लगभग दर्जन भर मंत्रियों की लोकसभा चुनाव में हार हुई है। और वहीं इस बार मोदी कैबिनेट में महिला सशक्तिकरण भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। जी हां, मोदी सरकार 3.0 में कई महिला सांसद शामिल हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। इस बार पीएम मोदी की टीम में निर्मला सीतारमण और अनुप्रिया पटेल को फिर से मौका मिलने जा रहा है और कई नई महिला मंत्री भी मोदी सरकार 3.0 में देखने को मिलेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोदी 3.0 में कौन कौन महिला मंत्री शामिल हो रही हैं। चर्चाएं हैं कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, तो वो एक वकील हैं तो उससे जुड़ा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। मथुरा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बनी हेमा मालिनी को भी इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हेमा मालिनी इस बार मथुरा से लाखों वोटों से जीती हैं। वहीं अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल पिछली बार भी मोदी कैबिनेट में मंत्री थी और इस बार भी इन्हें मंत्रालय देने पर विचार किया जा रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है। कंगना ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गई हैं और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह को भारी मतों से हराया है। निर्मला सीतारमण फिलहाल देश की वित्त मंत्री हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ये मंत्रालय इनके पास रहेगा। और इसके अलावा दक्षिण भारत की तमिलीसाई सौंदर्याराजन, भाजपा नेता शोभा करंदलाजे, मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बनी सावित्री ठाकुर, मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट लता वानखेड़े और जनता दल यूनाइटेड की नेता लवली आनंद का नाम भी मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। खैर, ये तो अभी संभावित लिस्ट है। एनडीए की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जल्द ही मंत्रियों के नाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।